हेलो दोस्तों, नॉलेज एरो में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको पुल पुश चोक प्लग का बारे में बताऊंगा। ये पुल पुश चोक प्लग है, ये इसी तरह दिखता है। आप जब पीछे की तरफ खींचते हो तो प्लग ऑन होता है, अंदर के तरफ ढकलने से प्लग ऑफ होता है। अब इसे गाड़ी को किस तरह फिट करते हैं देखेंगे। आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक चॉक केबल देता है यामाहा कंपनी वाला, तो आपको करना क्या है, ये चॉक केबल जो कंपनी वाला देता है ना, उसे अनस्क्रू कर दो, अनस्क्रू करके निकाल दो, बस उतना ही। और ऊपर के तरफ भी इस केबल को निकालने का पोजीशन बताऊंगा। इस प्लेस में एक केबल रहता है और ये चॉक का लीवर है। आपको करना क्या है, इस असेंबल को दो स्क्रूआ निकाल के निकाल दो, उसके बाद केबल वायर काट के इस केबल को फेंक दो, इस केबल की ज़रूरत नहीं। अब इस पुल पुश चोक प्लग को लेकर यहाँ पर फिट कर दो, बस इतना ही। इस तरह रख के क्लॉकवाइज टाइट कर दो। अब ये पुल पुश प्लग करने का बहुत आसान और सिंपल तरीका है। बजाज पल्सर 150-180 बाइकों को ये प्लग ही रहता है, आपको मार्केट में मिल जाएगा। 100 रुपये या 150 रुपये के अंदर ये प्लग रहता है, आप खरीद कर उस प्लग को फिट कर दो। ये बहुत कामदार चीज़ है। इस तरह अंदर को पुश करने से ऑफ, बाहर को पुश करने से प्लग ऑन होता है। जब सर्दियों में आपका गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम है तो इस प्लग को इस तरह ऑन करके स्टार्ट करने से गाड़ी एकदम एक ही सिंगल स्टार्ट में स्टार्ट हो जाएगी। ये गाड़ी सिंगल स्टार्ट में स्टार्ट हो जाएगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद करना क्या है, इस प्लग को वापस अंदर ढकल दो, वरना आपका थ्रोटल कंट्रोल में नहीं रहेगा। बस अब इस तरह इस केबल को फेंक दो, इस केबल की ज़रूरत नहीं, और पुश प्लग को यूज़ करो, ये सही है। नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक से आऊँगा, तब तक के लिए बाय। आपका नॉलेज एरो।